गुजरात के गांधीधाम में ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क स्टोर पर एड विवाद को लेकर कुछ दबंग लोगों ने हमला कर दिया और मैनेजर से जबरन माफीनामा लिखवा लिया। आपको बताते चलें कि गुजरात के गांधीधाम में ज्वेलरी स्टोर पर बदमाशों ने एड विवाद को लेकर हमला बोल दिया और मैनेजर से जबरन माफीनामा लिखवा लिया। बताया जा रहा है कि ट्विटर पर बायकॉट के ट्रेंड से शुरू होकर अब ये मामला एड हटाने को लेकर कंपनी के एक स्टोर पर हमले तक पहुंच गया है। इस एड पर विरोध के बीच गुजरात के गांधीधाम में कंपनी के एक स्टोर पर हमला किया गया है। वहीं मैनेजर से जबरन माफीनामा लिखे जाने की भी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाली भीड़ ने मैनेजर से माफी मांगनी चाहिए कि हम सेकुलर एड दिखाकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए कच्छ जिले के लोगों से माफी मांगते हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले हफ्ते अपने नए कलेक्शन एक तत्वम को लेकर एक एड रिलीज किया था, जिसमें दो परिवारों के बीच अंतर धार्मिक विवाद दिखाया गया था। ट्विटर पर इस एड को लेकर बायकॉट तनिष्क ट्रेंड होने लगा था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे लफ्जिहाद को बढ़ावा देने वाला एड बताया और इसे हटाने की मांग कर रहे थे। एड को लेकर तनिष्क ने बहुत ट्रॉल होने के बाद सोमवार को अपना एड वापस ले लिया। कंपनी की ओर से एक बयान जारी कर कहा कि एक तत्वम अभियान का मकसद इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान विभिन्न क्षेत्र के लोगों, स्थानीय समुदायों और परिवार से एक साथ आकर जश्न मनाने का है, लेकिन इस फिल्म पर गंभीर व उकसाने वाली प्रतिक्रियाएं मिली जो कि फिल्म के उद्देश्य से बिल्कुल उलट है। हम बेवजह भावनाओं के इस तरह उत्तेजित होने से बेहद दुखी हैं और हमारे कर्मचारियों, साझेदार और स्टोर कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को वापस लेते हैं। रिपोर्ट PTNI न्यूज ब्यूरो गुजरात। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।